जेएनयू के मास्टरमाइंड के राज अब सामने आने लगे हैं। भले ही उमर खालिद पुलिस से भागता फिर रहा है, लेकिन उसका फोन हर राज उगलने लगा है। राज ऐसे कि कनेक्शन इस बात से दूसरे देश तक जुड़े हैं। कॉल डिटेल से काफी चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। सूत्रों के मुताबिक उमर खालिद ने 3 फरवरी से 9 फरवरी के बीच 800 से ज्यादा फोन कॉल किए, जिनमें से 38 कॉल जम्मू कश्मीर की गई हैं और 65 कॉल वहां से इन नंबरों पर रिसीव की गई हैं। कॉल डिटेल से ऐसा सच सामने आया है कि इस घटनाक्रम की तैयारी 1 महीने पहले से चल रही थी। कॉल डिटेल से पता चला है कि खालिद ने ज्यादातर फोन दिल्ली से बाहर अलग अलग शहरों में किए हैं, साथ ही कई कॉल बांग्लादेश और खाड़ी देशों में भी की गई है। 2 महीने की कॉल डिटेल पुलिस ने निकाली है, जिसके आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। दोनों नंबरों पर दिसंबर के आखिरी सप्ताह से अचानक फ्रीक्वेंसी बढ़ गई थी। पुलिस को शक है कि घटनाक्रम की तैयारी तभी से शुरू कर दी गई थी। उमर खालिद ने न सिर्फ बाहर से फोन किए और रिसीव किए, बल्कि खुद बाहर गया भी। ये भी पता चला है कि उमर खालिद 1 महीने में 17 बार दिल्ली से बाहर दूसरे राज्यों में गया। कई राज्यों के अलग अलग शहरों में उसकी लोकेशन मिली है, जिसके आधार पर अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो वहां के विश्वविद्यालयों में मीटिंग के लिए गया होगा। खैर, जो भी हो, पुलिस खालिद की गिरफ्तारी के लिए कई जगहों पर छापा मार रही है और आने वाले दिनों में जरूर जेएनयू के मास्टरमाइंड को सामने ले आएगी।